प्रस्तुत है नाटक किस्सा सोते जागते का। अलिफ लैला की मूल कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण किया डॉक्टर हामिद हुसैन ने, प्रस्तुतकर्ता शाकिर अली। मैं हूं माँ, अबुल हसन। आई बेटा। माँ जरा अंदर हो जाओ, मेहमान साथ हैं। आइए, तशरीफ ले आइए। क्या नाम है भाई तुम्हारा? काफूर। तो काफूर, अपनी गठरी इधर कोने में रख दो। ये पानी का लोटा है, सौदागर साहब के हाथ मुंह धुलवा दो। मैं भी आया। क्यों रे, आज फिर किसी मेहमान को घेर लाया? माँ, मूसल के एक शरीफ सौदागर हैं और उनका एक गुलाम है। बेचारे शहर की दूसरी तरफ की सराय में ठहरे थे, अंधेरा पड़ गया, ये पुल पर भटक रहे थे बेचारे। लेकिन खाने का क्या होगा, रोज किसी न किसी मेहमान को साथ लगा लाता है। बाप जो छोड़कर मरा था वो तो सब यार दोस्तों में लुटा दिया, अब जितना कमाता नहीं उतना मेहमानों पे सर्व कर डालता है। अब घर आए मेहमान को भूखा तो नहीं सुला सकते ना? हाँ हाँ ठीक है, तू और तेरा मेहमान खा ले, मेरा क्या, मैं भूखी सो जाऊंगी। बादशाह सलामत। अरे चुप, तू तो सारा भेद खोल देगा। याद रख, मैं मूसल का सौदागर हूँ। गलती की माफी चाहता हूँ मालिक। हाँ, तू क्या कहना चाहता है? मालिक, लगता है हमारी वजह से इन गरीब लोगों को बड़ी जहमत होगी। ये तो है, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि हमारी रियाया किस हाल में है। वजीर तो सिवाय इसके कोई खबर ही नहीं देते कि हर तरफ दूध और शहद की नदियां बह रही हैं। लो भाई काफूर, ये दस्तरखान तो फैलाओ जरा। अरे भाई देखो, तुम किस झंझट में पड़ गए। सफर में पेट हल्का रहे तो अच्छा लगता है। आपका फरमान बिल्कुल बजा है, लेकिन माँ कहती हैं कि रात को बिना खाना खाए नहीं सोना चाहिए वरना सोते में अबखारात दिमाग पर चढ़ते हैं और भयानक ख्वाब दिखाई देते हैं। काफूर, ये कामे तो लगाओ। सुनो भाई, ये बाहर क्या हो रहा है? जनाबे वाला, ये तो यहाँ हर रात होता है। हाँ? पड़ोस में एक ठेकेदार है, उसने 8-10 गुंडे पाल रखे हैं। वो लोगों से जबरन मजदूरी करवाता है, उन्हें पूरे पैसे भी नहीं देता। वो मजदूरी मांगते हैं या कोतवाल से शिकायत करने की धमकी देते हैं तो उन्हें ये गुंडे मारते हैं। और तो और, ये गुंडे उनकी माओं और बहनों के साथ भी ज्यादती करते हैं। क्या मोहल्ले वाले भी खामोश रहते हैं? अरे जनाबे वाला, हर एक को अपनी इज्जत प्यारी है। अगर मैं एक दिन के लिए बगदाद का खलीफा बन जाऊं तो एक एक को तुक कर दूं। अच्छा, अगर तुम सचमुच खलीफा बन जाओ तो क्या करोगे? इन गुंडों को तो बीच बाजार में खड़ा करके 100-100 कोड़े लगवाऊं और इस ठेकेदार का मुंह काला करवा के गधे पर बिठा कर पूरे शहर का चक्कर लगवाऊं। मैं देख कर आया आज क्या हंगामा है। आप लोग बेतकल्लुफी से खाना नोश फरमाएं, मैं बस गया और आया। मसरूर जी वाले, इसे तो एक दिन के लिए खलीफा बनाना ही पड़ेगा। वो कैसे मालिक? देखो, उस कटरी में बोतल के साथ एक छोटी शीशी भी है। उसमें नींद लाने की दवा है, जल्दी से दवा डालकर जाम तैयार करके यहां उसकी जगह पर रख दो, और दूसरा सादा जाम इधर। जी, अभी लाया। देखिए देखिए, आज तो उन कमबख्तों ने जुल्म की हद ही कर दी। दो लोगों की टांगें तोड़ दी। उन्होंने कहा था कि वो शहर कोतवाल के पास जाएंगे। लगता है अब इनके जुल्मों का खड़ा भर गया है, खुदा उन्हें जरूर सजा देगा। अच्छा भाई, अब आओ, तुम भी कुछ खा लो। जी नहीं, मैं तो सिर्फ आपका साथ देने के लिए बैठ गया था। मैं तो शाम को पुल पर सैर के लिए जाने से पहले ही खाना खा लेता हूँ। अच्छा, तो ये जाम लो, बड़ी नफीस चीज है, सुलेमान सौदागर हर बार फरमाइश करके मंगवाता है। लो लो, अच्छी है ना? और लो,
जी नहीं, बस काफी है। अरे तकल्लुफ छोड़ो, ये लो और लो। अब आपका इसरार है तो वरना वरना मैं तो मांग करती है। मालिक लगता है सो गया। हाँ, अब जल्दी से ये सब बोतल शीशी जाम गठरी में बांध लो और ये शाल और अब इसे कंधे पर उठा लो। उठाओ। शाबाश। बाहर चलो आप जी। खामोश, आवाज ना हो। सुनो, दरवाजा खुला छोड़ दो। जी। सीधे महल चलो। जी चोर दरवाजे से। जी बहुत अच्छा। आ जाओ। देखो देखो ये कौन घुसा चला आ रहा है। किसकी हिम्मत हुई खलीफा के सोने के कमरे में दाखिल होने की। घबराए नहीं मलिका, मैं हूँ। लीजिए, मैंने अपनी कबा और ये पगड़ उतार दिया। या अल्लाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ये भेष बदलने की आपको क्या जरूरत थी। अरे रे, ये लाश मेरे कमरे में क्यों ला रहे हैं। मलिका, आप थोड़ा सब्र तो करें। ये आदमी तो सिर्फ बेहोश है, हमने इसे बेहोशी की दवा दी है। मसरूर, इसे यहाँ लिटा दो, मेरे बिस्तर पर। जी हाँ। ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। आप इधर तशरीफ लाएं, यहाँ मसनद पर बैठें। देखिए मलिका, ये सब एक मजाक है। जब आप देखेंगी तो आपको भी लुत्फ आएगा। लेकिन आपको जो भी मजाक करना है अपने दरबार में कीजिए, शाही ख्वाबगाह नाटक की जगह नहीं है। मलिका, हमारा ख्याल है कि हम इसे एक दिन के लिए खलीफा क्यों न बना दें। या खुदा, आपको भी क्या अनहोनी सोचती है, भला ये कैसे मुमकिन है। बस आप देखती जाइए। हाँ, आपकी उस खास कनीज का क्या नाम है। नुजहत। हाँ, नुजहत, जरा उसे बुलवाइए। जी। हुक्म फरमाइए मलिका आलिया। नुजहत, तुम्हें हमने बुलाया है। जी। पहले तो तुम ऊपर वाली खाब का तैयार करो, आज हम और मलिका आलिया वहां आराम करेंगे। इस कमरे की तरफ की खिड़कियां खोलकर चिलमने डाल दो ताकि दिखता रहे कि इस कमरे में क्या हो रहा है। मसरूर जी, अबुल हसन को हमारे रात के कपड़े पहना दो और सुबह जब ये उठे तो इसके साथ बिल्कुल वही बर्ताव हो जो रोज हमारे साथ होता है। जी मालिक। नुसरत, कल तुम अपनी सबसे भरोसे की कनीजों को यहाँ की खिदमत के लिए मुकर्रर करोगी। जी। उन्हें अच्छी तरह समझा दोगी कि कल हमारी जगह हमारे एक दोस्त खलीफा होंगे। जैसा हुक्म जहांपनाह। चलिए मलिका, आराम करें, कल सुबह सवेरे उठकर तमाशा देखना है। देखो गुलबदन जी, तुम अपना साज लेकर यहाँ खिड़की के पास बैठ जाओ। जी, मैं जैसे ही इत्र खलीफा को सुंघाऊं और खलीफा छींक कर उठें, तुम रोज की तरह सुबह का संगीत शुरू कर देना। जी। अच्छा, अब मैं जहांपनाह को जगाती हूँ। क्या मजेदार ख्वाब है। वाह। जहांपनाह, आंखें खोलिए कि दुनिया रोशन हो और सूरज हुजूर को सलामी देकर रोज के सफर पर रवाना हो। हे, तुम लोग कौन हो भाई, सोने क्यों नहीं देते। हुजूर आली, हम आपकी कनीजें हैं, आपकी खादिमाएं। खादिमाएं? कैसी खादिमाएं भाई। आपकी खादिमाएं जहांपनाह, क्या आप हमें भूल गए। हमसे क्या खता हुई मालिक, जो आप अपनी बांदियों से ये बेतवज्जो ही फरमा रहे हैं। ये क्या मुसीबत है। अरे आखिर एक मामूली सौदागर बच्चे को ये लौंडियों बांदियों से क्या मतलब भाई। आलमपना, ये कैसी बातें कर रहे हैं, शायद रात को कोई बुरा ख्वाब देखा है। अच्छा, तो मैं कौन हूँ। आप बादशाहों के बादशाह, सुल्तानों के सुल्तान, बगदाद के खलीफा हारून रशीद हैं। और कौन।
तो फिर तो ये यकीनन ख्वाब है। जहाँ पना, आप जरूरत से ज्यादा मजाक फरमा रहे हैं। मजाक? अच्छा, ये मेरी उंगली अपने दांत से तो काट, अभी पता चलता है ये ख्वाब है या हकीकत। ओए, अरे कमबख्त, तूने तो उंगली ही अलग कर दी। गुस्ताखी माफ जहाँ पना, बंदी तो हुक्म की गुलाम है। अरे तुम लोग यकीनन किसी शैतानी गिरोह से ताल्लुक रखते हो। अरे जो मेरी नजरों के सामने ये ख्वाबों की दुनिया सजा कर खड़ी कर दी है, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ सब, दूर हो जाओ। गुलाम हाजिरी की इजाजत चाहता है। आओ मसरूर आओ। कहो, कैसा रहा नए खलीफा का दरबार? क्या अच्छा होता कि जहां पना ने भी वो मंजर मुलाहिजा फरमाया होता। हम भी तो सुने कि आखिर हुआ क्या, कैसा बर्ताव था उसका। हुजूर वाला, उसने पहले खूब शोर मचाया, खूब शोर मचाया, और फिर छोड़ो 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 मुझे, हटो उधर। अरे हटो भाई, मैं खलीफा वालीफा नहीं हूँ। जहां पना, तख्त शाही पर तशरीफ रखें। मैं और तख्त शाही पर? जी हाँ। अरे क्या मेरा सिर उड़वाना चाहते हो तुम लोग? ये क्या तमाशा है, हैं? क्या मुझे पागल बनाने की कोई साजिश है? आलीजा, हम नमक ख्वार आपकी शान में इस किस्म के गुस्ताखी का तस्वीर भी नहीं कर सकते। जहाँ पना, दरबारी मुंतजिर हैं। ठीक है ठीक है। हाँ तो वजीर जाफर, अगर हम वाकई खलीफा हैं तो क्या हम सरकारी खजाने से रुपया खर्च कर सकते हैं? जहाँ पना, हुक्म तो फरमाएं। मुझे इसी वक्त 100 अशरफियां चाहिए। दरबार शाही के आदाब महलूज हों। हुजूर आली, ये कौन सी बड़ी बात है? सुनो, जहां पना का ये सदका फकीरों में तकसीम कर देना। शहर कोतवाल को हाजिर किया जाए। और वो शाही खजांची कहाँ है? खजांची अब्दुल कादर, आगे बढ़कर जहां पना की कदम बोसी करो। देखो, अभी अपने आदमी को दरिया के पुल के पास वाली बस्ती में भेजो। जी। वहां अबुल हसन नाम का एक सौदागर बच्चा रहता है। जी। उसकी माँ को 1000 अशरफियों की एक थैली भिजवाओ, कहना ये खलीफा की तरफ से तोहफा है। हुजूर, कोतवाल भी हाजिर है, उसके लिए क्या हुक्म है? पहले जब्बार ठेकेदार और उसके गुंडों को पकड़कर आज ही शाम को बीच बाजार में 100-100 कोड़े लगाए जाएं, और रात को शहर पना के दरवाजे बंद होने से पहले उन्हें शहर से निकाल दिया जाए। फिर हम कोतवाल की भी सजा तजवीज करेंगे। हुजूर, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर, हुजूर, खामोश रहो, हुक्म की तामील करो। खूब, बहुत खूब, तो आखिर अबुल हसन बन ही गए खलीफा। जी हाँ, अब तो वो ऐसा ही अमल कर रहा है जैसे वो सचमुच खलीफा हो। अब क्या हुक्म है आलम पना? देखो, अब उसे रात के खाने में नींद की दवा खिला देना और बेहोशी की हालत में उसके घर वापस पहुंचा देना। जी जहां पना। पता नहीं नसीबो जला कहां मारा मारा फिरता है, दिन भर गायब रहा। खुदा मालूम रात कब आया, कब सोया, रात को कुछ खाया भी है या नहीं। अरे उठ, एक पहर दिन चढ़ाया। और ये कौन है भाई, किसने शोर मचा रखा है ये? नुजहत, गुलबदन, अरे लौंडियों इसे निकालो यहाँ से। अरे कमबख्त, ये लौंडिया कनीजे कहाँ से आ गई? उठता है या एक हाथ लोटा पानी उड़ेलू तुझ पर। और ख्वाजा मसरूर, ख्वाजा अंबर, अरे देखो भाई ये मनुस कौन है, क्यों खलीफा के साथ गुस्ताखी कर रही है? सुना था लोगों को कि दिमाग पर खा खा कर चढ़वी चढ़ जाती है, पर तेरे दिमाग को फाका मस्ती में क्या हुआ है जो ऐसी बातें करता है? मेरे बेटे, होश में आ, होश में आ। मैं बगदाद का खलीफा हारून रशीद और तेरा बेटा? अरे होश में तो है तू बुढ़िया। अरे ये क्या ओल फोल बकता है,
खलीफा के बारे में इस गुस्ताखी की किसी ने खबर कर दी तो तेरा भी उस मर्दू ठेकेदार की तरह हश्र होगा। तो तुझे मालूम है ठेकेदार का हश्र है, फिर भी तू नहीं मानती कि मैंने ही उसे और उसके आदमियों को कोड़े लगवा कर शहर से निकलवाया है। अरे चुप। तो 1000 अशरफियों की थैली भी वसूल करके तू मुझे बगदाद का खलीफा नहीं मानती है? तू जैसी लालची औरतों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? चल दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा, चल। हाय, मेरे बेटे को किसी ने जादू टोना कर दिया, मेरे बेटे पर किसी ने जादू टोना कर दिया। अरे तू ऐसे नहीं मानेगी, अरे तेरी तो इस डंडे से खबर लेनी पड़ेगी। अरे मर गई, मैं मर गई, बचाओ। अरे मोहल्ले वालों को बचाओ, मेरा बेटा पागल हो गया है, मुझे मार डालता है, बचाओ। क्यों अपनी बुरी माँ को सता रहे हो? अरे वो बेचारी तुम्हें देखकर तो जीती है। अरे तुम सब लोग नहायत जाहिल और कम अक्ल हो। अरे ये भी नहीं जानते कि खलीफा से किस तरह बात की जाती है। जानते हो खलीफा से गुस्ताखी की क्या सजा है? सजाए मौत। हाय मैं मर गई, हाय कोई बचाओ। ये क्या भीड़ आ रखी है यहाँ पर? अल्लाह, कौन शोर मचा रहा है? दरोगा साहब दुहाई है, हुजूर मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या झगड़ा है? हुजूर ये मेरा बेटा अबुल हसन है, पता नहीं इसके दिमाग को क्या हो गया है। कहता है मैं बगदाद का खलीफा हूँ और मैं उसे अपना बेटा कहती हूँ, तो मुझे मारता है। दरोगा साहब मुझे बचाइए। तेरी ये हिम्मत? खलीफा का स्वांग करता है? अरे नहीं। सिपाहियों जी साहब, हथकड़ियां लगा दो इसे और डाल दो हवालात में। अरे क्या कर रहे हो भाई ये? अरे सुनो तो, वो दिन जूते पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे दूर हटो, खलीफा के साथ गुस्ताखी करते डर नहीं लगता? अभी वजीर जाफर को हुक्म देकर एक एक की खाल खिंचवा दूंगा। अरे पहले अपने सर के बाल तो बचा ले। सिपाहियों जी साहब, हथकड़ियां लगा दो इसे और डाल दो हवालात में। अरे क्या कर रहे हो भाई ये? ताजा कुलचे, अरे ये तुम हो? आओ आओ यार, गले मिल जाओ, महीनों बाद मिले। अरे अरे पीठ को हाथ मत लगाओ यार। क्या हुआ? कमबख्तों ने मार मार कर पीठ उधेड़ डाली। अरे ये गजब कैसे हुआ? आखिर किस मुसीबत में फंस गए यार? हमें तो खबर ही नहीं हुई। अरे क्या बताऊं, किस्मत की खराबी थी। पता नहीं कैसे दिमाग में ये सनक बैठ गई कि हम बगदाद के खलीफा हैं। दरोगा ने ले जाकर बंद कर दिया। अरे भाई वाह, खूब मिले तुम। अरे आप मूसल के सौदागर? माफ कीजिएगा लेकिन बहुत जरूरी काम है मुझे। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हारी वालिदा के लिए मूसल से एक तोहफा लाया था, मलमल का एक नायाब थान। आप तो मुझे माफ ही करिए, पिछली बार आपसे मुलाकात बहुत महंगी पड़ी थी। अब भाई मुझे नहीं मालूम तुम किस परेशानी में गिरफ्तार हुए, कम से कम ये तो बता दो कि आखिर हुआ क्या था। उस रात मैं आपके साथ पीते पीते बेसुध हो गया, उसके बाद जब मेरी आंख खुली ना, या ऐसा लगा कि मेरी आंख खुली, तो मैंने खुद को खलीफा के महल में पाया। और अच्छा तो ये बात है। लो भाई तुम्हारा घर भी आ गया, आइए, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। माँ को तो ऐसा झटका लगा है कि वो तो बेचारी खटिया से लग गई है। देखो उनसे मेरा सलाम कहो। गुलाम जी मालिक, वो थान तो निकाल कर दो। हाँ ये लो, ये उनकी खिदमत में मेरी तरफ से पेश करना। जी बहुत अच्छा।
मसरूर। जी मालिक। जल्दी से वो नींद की दवा, जाम और बोतल निकालो। क्या मालिक फिर? हाँ लेकिन मालिक उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, इसलिए और जरूरी हो गया है। अरे तुम लोग, फिर से तुम सब लोग, अरे तुम बदरूहे हो, शैतानी शक्लें, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, दूर हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो खुदा के लिए। या खुदा रहम कर, ये क्या हुआ है? लगता है हुजूर आली ने कोई बहुत भयानक ख्वाब देखा है। मैं वो मिस्री हकीम का मुफर्रा अर्क पेश करती हूँ। खैर, अब ये सच है या झूठ, असलियत है या जादू, अरे जब सिर पर पड़ी गई है तो मजा क्यों ना ले। गुलबदन जी, जरा अपने साज पर कोई फड़कती चीज सुनाओ कि जहाँ पना की तबीयत का गुबार दूर हो। जो हुक्म फरमाए। गुलबदन जी सरकार, अपने घुंघरू उतारो। जो हुक्म। अरे हुजूर, ये क्या, ये बांदी की कमर में हाथ क्यों डाल रहे हैं? आज ये लुत्फ भी लेंगे। हाय, कनीज जान दे देगी मगर ये गुस्ताखी नहीं करेगी। अरे खलीफा और मलिका। अरे मूसल के सौदागर, आप यहाँ भी? जहाँ पना, कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप? हाँ बोल हसन, मैं ही हूँ बगदाद का खलीफा हारून रशीद। लेकिन हुजूर वाला, आपने मुझ नाचीज से ये मजाक क्यों फरमाया? हाँ, बात तो मजाक से ही शुरू हुई थी, लेकिन बात में तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे गुमान भी न था। और अब इस बार तुम पर हकीकत जाहिर करना थी, नहीं तो तुम असलियत को दिमाग का फितूर या जिन परी का साया समझते रहते। मैं अपनी गुस्ताखियों के लिए शर्मिंदा हूँ और वादा करता हूँ कि कभी आपको अपनी सूरत तक न दिखाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? अब हम खुद तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें अपने खास मुसाइबों में जगह देते हैं। और हाँ, नुसरत की तुम्हारे साथ शादी की भी तजवीज रखते हैं। हम समझते हैं कि तुम्हें इस पर कोई एतराज ना होगा। ये तो हुजूर की जर्रा नवाजी है, वरना। अरे छोड़ो भी। अरे इतनी जल्दी क्या है जाने मन। ये चोचले कब तक चलेंगे? अब तो 3 महीने हो गए शादी को। अरे 3 ही महीने तो हुए हैं। तुम्हारा गुजर तो ख्याली पुलाव से हो जाएगा, मैं तो चली दाल पकाने। अरे फिर वही दाल, अरे कल ही तो खाई थी। खलीफा के मुसाहिब खास, अमीर कबीर आली मर्तबत अबुल हसन साहब, इस कनीज को सिर्फ एक अशरफी इनायत कर दें तो हुजूर वाला के लिए कनीज जाफरानी खीर के साथ साथ मुर्ग पुलाव का भी इंतजाम कर दे। अरे रोना तो यही है, मगर अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे ये रूखी सूखी हलक से नहीं उतरती। देखो मुझसे कहोगे तो मैं मलिका के सामने अब हाथ नहीं पसारूंगी। अरे ठहरो तो सही। हाँ, एक कारगर तरकीब सूझी है। क्या? हम दोनों मर जाएं? हाँ? इतनी जल्दी ये नौबत आ गई? ठीक है, जाओ ले आओ जहर। अरे जाने मन, बात सचमुच के मरने की नहीं है, मरने के नाटक की है। देखो पहले मैं खलीफा के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मेरी प्यारी नुजहत अल्लाह को प्यारी हो गई, यकीनन खलीफा कुछ ना कुछ इस इनाम से दे देंगे। फिर तुम मलिका के पास जाकर मेरी मौत की खबर सुनाकर कुछ और रुपया घसीट लाना, कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजर बसर हो ही जाएगी। हाँ। अच्छा तो मैं चला खलीफा के पास। ठीक है। देखो नुसरत, खलीफा ने तुम्हारे कफन के लिए कितना खूबसूरत कपड़ा दिलवाया है, और ये 100 अशरफियां। मलिका भी तुम्हारी मौत का सुनकर बहुत गमगीन हुई,
उन्होंने भी 100 अशर्फियां और कफन के लिए कपड़ा दिलवाया है। खालिस कमखाब का है। ओहो, लगता है कोई आ रहा है। देखो कफन ओढ़कर लेट जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। अच्छा, ये क्या हो गया इतने अचानक? आजा, मेरी तो दुनिया अंधेरी हो गई। लेकिन उधर महल में तो दूसरी ही बहस छिड़ गई है। खलीफा महल में पहुंचे तो मलिका ने उन्हें बताया कि तुम्हारी मौत हो गई है और नुसरत मलिका के पास खबर लेकर गई थी। अरे भाई, अब तुम खुद आंखों से देख लो। मौत तो मौत है, शर्त लगाने से कोई मुर्दे तो जिंदा नहीं होते। शर्त? हाँ, खलीफा और मलिका में शर्त लगी है कि अबुल हसन और नुसरत में से कौन मरा है। फिर? अब मेरी इत्तला से मलिका को शर्त हारना पड़ेगी। देखो, मैं महल के और लोगों को भी खबर करता हूँ। खुदा इतने बड़े गम को उठाने के लिए तुम्हें सब्र दे। चलो, ये तो टला। ऐसे इत्मीनान की सांस ना लो। वो मोटा ख्वाजा है ना, शर्त की बात कर रहा था, सुना नहीं? अरे ठीक है, आने दो है? बस तुम खिड़की से बाहर नजर रखो। ठीक है। अरे देखो तो, ये महल के फाटक से चौबदार, बरकंदाज, माही मराता वाले, ये पूरा जुलूस कहाँ जा रहा है? ये तो खलीफा और मलिका की सवारी है। या खुदा, ये तो इसी तरफ मुड़ रहे हैं। कहीं हमारे यहाँ ही तो नहीं आ रहे? अरे जल्दी से कफन ओढ़कर लेट जाओ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अच्छा, हाँ, चलो जल्दी करो। चलो। बादब, बामुलाहिजा, खलीफा और मलिका आलिया। चुप रहो, मुर्दे भी कहीं ताजीम बजाते हैं। हाय हाय, बेचारी नुसरत भी चल बसी। काश कोई ये बताए कि इनमें से पहले कौन मरा, तो मैं उसे 1000 अशर्फी दूंगी। मैं 1500 अशर्फी का ऐलान करता। अरे तो जहां पना, पहले मैं मरा था। शाला। अरे ये क्या, नुसरत की लाश भी तो हिल रही है। बंदा परवर, हमारी बदहाली और परेशानी ने हमें मजबूर कर दिया कि हम ये भयानक झूठ आपसे बोले। हम शर्मिंदा हैं कि हमने आपको धोखा दिया। आप मुझे सख्त से सख्त सजा दें। आप मेरी बीवी को माफ कर दें, उसने मेरे कहने पर ये झूठ बोला था। बंदा परवर, अगर आप सजा दें तो मुझे दें। मेरे शोहर ने मेरी बदहाली को देखकर झूठ बोलने की ये तरकीब बनाई। अरे भाई छोड़ो भी सजा और माफी के झगड़े को, हमें तो इस किस्से में बड़ा लुत्फ आया। और हमें इसका इत्मीनान है कि तुम लोग सही सलामत हो। और देखो, आइंदा जरूरत हो तो आकर मांग लेना, बहाना ना करना, वरना इस बार जरूर सजा मिलेगी। किस्सा सोते जागते का। अभी आप सुन रहे थे अलिफ लैला की कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार थे डॉक्टर हामिद हुसैन, प्रस्तुतकर्ता शाकिर अली।